हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे एल्गोरिथम की एग्जांपल्स, और आज जो है मजीद हमने उसकी कुछ और एग्जांपल्स देखनी है। सो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है उसकी फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। तो एक्सपोनेंट कहते हैं कि एक नंबर है उसकी पावर। अब वो फाइंड कैसे करते हैं, पहले मैथमेटिकली देखते हैं कि उस नंबर को जितनी उसकी पावर है उतने टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स से 2 पावर 3 है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका एक्सपोनेंट फाइंड कर सकते हैं गिवन नंबर का। तो गिवन नंबर मीन्स के बेस जो है हमें गिवन होगी, एक्सपोनेंट भी हम लेट से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 2 बाई 3 की एग्जांपल दी। सो देखते हैं कि प्लानिंग में क्या होगा हमारे पास कि एक नंबर और इसका एक्सपोनेंट इनिशियलाइज कर देंगे दोनों को। प्रोसेसिंग में क्या है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते जाना है कितने टाइम जितनी उसकी पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा, और रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे पास एक्सपोनेंट ही है उसका प्रोडक्ट जो होगा फाइनल। नेक्स्ट, अब एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप देखें कि एक नंबर है हमारे पास एन लेट से 8, और उसकी पावर जो है ई एक्सपोनेंट हमने 5 इनिशियलाइज की है। नेक्स्ट, अब जो इनिशियलाइज किया हमने एक वेरिएबल प्रोडक्ट p = 1, ये क्या चीज़ है, ये वो है जिसमें फाइनल रिजल्ट स्टोर होना है, और k = 1 ये लूप चलेगा कितने टाइम जितने टाइम e की पावर है 5, ठीक है। इंक्रीमेंट होगा k ने कितने टाइम करना वो मैंने बता दिया। स्टेप 3 में मेरे पास p = p multiply n, ये p की जो वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, हर टाइम अपडेट होनी है, ठीक है। अपडेट होनी है कैसे, यह आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इंक्रीमेंट लगा स्टेप 4 में। नेक्स्ट, चेक इफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन और इक्वल टू ई, इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इफ के लेस देन इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, वापस अबव जाएगा, अदरवाइज वो कंडीशन फॉल होगी, स्टेप 6 में चला जाएगा, आउटपुट कर देगा और स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिथम। अब सपोज फर्स्ट पावर क्या थी, k = 1 है, ठीक है। सो p = p multiply n हुआ, p क्या हमारे पास 1 n 8, मीन्स के 8 1 8, p में आ गया 8। सेकंड, नीचे आया k की वैल्यू 2 हुई, ठीक है। पहले उसने k को चेक करना है, 2 less than equal to e में क्या है 5, 2 less than equal to 5, इट्स मीन कंडीशन ट्रू है, लेस है ना, 2 5 से लेस होता है, तो ये वापस ऊपर जाएगा। p = p multiply n, p में पहले क्या था 1, और उसके बाद जब अपडेट होगा तो 8 होगा, n में क्या है 8, तो 8 8 16। इस तरह से ये लूप कब तक जाएगा, जब तक k की वैल्यू 6 नहीं हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 5 पे तो लेस देन इक्वल टू 5 पे लूप आइटरेट होगा, 6 पे आइटरेट नहीं होगा। तो जैसे 6 वैल्यू होगी उसकी k की, लूप ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट में जो आउटपुट में p प्रिंट होगा वो लूप स्टॉप हो जाएगा और एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रिंट ओड नंबर्स। तो ओड और इवन नंबर्स हैं कि अगर जो नंबर है हमने एक इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक नंबर उसमें 2 ऐड कर सकते हैं, इनिशियलाइज 1 से करेंगे तो इनपुट क्या दे, नंबर दिस प्रॉब्लम हैज नो इनपुट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने एक सीरीज प्रिंट करानी है। अगर प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, आउटपुट आर रिक्वायर्ड, प्रोसेसिंग क्या होगी, इनिशियलाइज करना है एक वेरिएबल को 1 से और उसमें 2 की इंक्रीमेंट करते जाना है टिल 99 तक, ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। ये हमारे पास सिंपल सा एल्गोरिथम है, के को 1 बोला, आउटपुट के किया, पहली दफ़ा 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद 1 plus 2 3, अगेन से नीचे कंडीशन कब तक फुलफिल होनी है, जब तक k = 100 दी हो जाएगा, ठीक है ना। के की वैल्यू जैसी 99 100 होगी, 100 less than 100, कंडीशन फॉल लूप स्टॉप हो जाएगा। ये आ गया
गो टू स्टेप टू, देखें यहाँ पे गो टू स्टेप टू है ऊपर जाएगा, और जैसे 100 वैल्यू होगी गो टू स्टेप फाइव लूप स्टॉप। ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि जो 3 के मल्टीपल्स हैं डिक्रीमेंट फॉर्म में है, ठीक है, वो हमने प्रिंट करना है। तो इसमें हमने इनिशियलाइज करेंगे 27 से और 3 का डिक्रीमेंट जो है डिक्रीमेंट लगाते जाएंगे। इनपुट कोई नहीं रिक्वायर्ड, आउटपुट में जो सीरीज है वो प्रिंट होनी चाहिए और जो प्रोसेसिंग है उसमें 3 से इनिशियलाइज किया और 3 का डिक्रीमेंट लगाते गए टिल -6 तक जो लास्ट वैल्यू हमारी। एल्गोरिदम में आते हैं, इनिशियलाइज किया 27 से, आउटपुट के किया डिक्रीमेंट के -3, 27 -3 24 सेकंड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेम जो इससे प्रीवियस एल्गोरिदम था वही लॉजिक है, जैसे ही वैल्यू इसकी होगी -9 क्योंकि 3 का डिक्रीमेंट लगना है तो कंडीशन फॉल होगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 12। अब इसमें जो इवन नंबर है 100 तक उनका सम स्टोर होना चाहिए एक वेरिएबल सम में। प्लानिंग में क्या इनपुट नहीं रिक्वायर्ड, सम स्टोर होना चाहिए 1 से 100 तक, बट उनमें से जो इवन नंबर है उनका। सो इसमें क्या जी, स्टार्ट किया सम में 0 स्टोर कर दिया, K2 के पहले सम प्लस के इट मीन 0 प्लस 2, सम अपडेट होगा 2 आ जाएगा, फिर अब इंक्रीमेंट लगेगा और 2 प्लस 2 4, इस तरह सम में जो सम की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। नेक्स्ट जो है वो वैल्यू कब तक जो है लूप चलेगा, जब तक के की वैल्यू 102 नहीं हो जाएगी, कोई 2 का इंक्रीमेंट लगाना, तो 100 के बाद 102 लेस देन इक्वल टू 100 लूप ब्रेक होगा, साथ ही नीचे आउटपुट शो हो जाएगी सम में एंड स्टॉप हो जाएगा लूप एल्गोरिदम। नेक्स्ट है प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर, कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो 2 या 3 या whatever कोई भी है नंबर उसका टेबल प्रिंट हो जाए। तो इनपुट क्या है कि एक नंबर जो के जिसको हमने टेबल प्रिंट कराना है, आउटपुट में प्रिंट आना चाहिए टेबल, और प्रोसेसिंग में क्या इनिशियलाइज करेंगे 1 से और जहाँ तक हमने टेबल प्रिंट कराना है वहाँ तक उसको हम उसकी एंडिंग वैल्यू भी दे देंगे, ठीक है, कहाँ तक लूप चलना चाहिए। अब देखें एल्गोरिथम में स्टार्ट करेंगे वैल्यू को एल्गोरिथम को और नंबर हमने बोला लेट से 7 का टेबल प्रिंट कराना है, के को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने एक्सपोनेंट में जैसे किया था हमने, सेम वैसे ही है कि पी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई के, एन की वैल्यू क्या है 7, के इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। नीचे 12 तक हमने टेबल प्रिंट कराना है, 7 1 7 7 2 14 एंड सेम लॉजिक यूज हो रहा है, लूप और इफ देन एल्स इफ सिंपल इफ यूज कर रहे हैं। सो अब ये जो लूप नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है सेकंड लास्ट आज के टॉपिक की, वो है कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन होगा और आउटपुट सेल्सियस में होना चाहिए। एक फार्मूला बेसिक सा वो अप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू है वो लेट्स से 100 है, इसको कैलकुलेट करके वो आउटपुट शो करवा देगा। सिंपल फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं है इतना खास। नेक्स्ट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर गिवन नंबर। अब फैक्टोरियल में क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल में ये होता है कि जैसे मैं सपोज करता हूँ कि 2 है मेरे पास या थोड़ा सा ग्रेटर नंबर लेते हैं 3 है मेरे पास नंबर, ठीक है, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा 3 × 2 × 1, इसके 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, इसके उसकी बैक मल्टीप्लीकेशन होती है फैक्टोरियल में, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या होगा, गिवन नंबर होगा जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल उसकी जो एफ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जिसमें फैक्टोरियल स्टोर हो और ठीक है इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे देखें लूप को, वेरी पहले के 1 बोला उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे, तो सिंपल पहले क्या के को हमने बोला जी क्या 1 है, उसके बाद नंबर हमने लिया वो 5, सो फैक्टोरियल में हमने 1 स्टोर कर दिया एंड एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई के 1 इंक्रीमेंट लगा, k इज इक्वल टू के प्लस 2, 2 आ गया, इफ 2 लेस देन 5
कंडीशन ट्रू है वापिस आएगा, ठीक है। तो ऊपर एफ में क्या था, 1 × 1 = 2, 2 × 2 = 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर 2 × 3, 3 × इस तरह वैल्यू ऑपरेट होती रहेगी। तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पे के हो जाएगा हमारे पास 6, तो कंडीशन फॉल्स होगी स्टेप 6 पे जाएगा, आउटपुट शो करेगा फैक्टोरियल और स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिथम। तो ये थे हमारे आज के ट्यूटोरियल, नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम शुरू करेंगे फ्लो चार्ट्स। थैंक यू। We'll be right back.